नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे कि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट थ्रू हम एनी वेब एप्लीकेशन कैसे लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने एक वेब एप्लीकेशन क्लास बनाया है इक्लिप्स आईडीए में, और मेन में मैंने ये 10 लाइन का कोड लिखा है। तो चलो पहले देखते हैं ये एप्लीकेशन क्या क्या करता है। सो पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो अभी इस एप्लीकेशन ने वेब ब्राउज़र खोला और गूगल ओपन किया, और इसमें हैप्पी दिवाली टेक्स्ट सर्च किया, और कुछ सेकंडों के बाद ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो सीखते हैं इस कोड में हमने क्या क्या लिखा है। सो मेन में हमने सेट प्रॉपर्टी, इसमें जो गूगल क्रोम के ड्राइवर है उसका पाथ दिया है। तो यहाँ पे की वैल्यू प्लेयर है, तो यहाँ पे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और यहाँ पे मेरा सी में ड्राइवर मैंने डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड किया है, तो इसका पाथ दे दिया है पूरा। ये पूरा फोल्डर है और इसका क्रोम ड्राइवर डॉट ई एक्स ई, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है क्रोम का। उसके बाद मैंने क्रोम ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट इनिशलाइज किया है ड्राइवर नाम का, और उसमें मैंने उस ऑब्जेक्ट के साथ गेट मेथड कॉल किया है, उसमें वेब यूआरएल दिया है google.com। तो यहाँ हम जो भी यूआरएल देंगे वो हमारी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लॉन्च कर देगी। तो इसके बाद मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सर्च किया है। सो उसके लिए मैंने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम, और जो गूगल का सर्च बॉक्स है उसका नेम है क्यू। सो क्यू से मैं यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है वो लोकेट करूँगा, और उस सर्च बॉक्स में मैंने टेक्स्ट सेंड किया है, दैट इज सेंड कीज हैप्पी दिवाली, और उसके बाद जो सबमिट बटन है उस पर क्लिक किया है, तो उस पर सर्च बॉक्स डॉट सबमिट से वो क्लिक हो जाएगा सर्च। देन वो सर्च रिजल्ट देखने के लिए मैंने कुछ डिले ऐड कर दिया है, स्लीप 12,000 मिली सेकेंड्स, और उसके बाद ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कुछ पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेलेनियम एंड क्रोम ड्राइवर। चलो फिर से देखते हैं। गूगल और यहाँ पे गूगल पे हैप्पी दिवाली सर्च हो गया। तो ये थे हमारी पहली सेलेनियम की स्क्रिप्ट। सो इन दिस वे वी कैन लर्न सेलेनियम स्टेप बाय स्टेप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डेमो। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।